श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे सभी भक्तों। तो भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब राधाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी होती है। सुख समृद्धि शांति और खुशहाली के लिए राधाष्टमी का व्रत किया जाता है। जानते हैं राधाष्टमी की पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। तो राधाष्टमी 2022 का शुभ मुहूर्त जो है, जो कि अष्टमी तिथि प्रारंभ है, वो शनिवार 3 सितंबर 2022 दोपहर 12:25 से जो आरंभ होकर, और अष्टमी तिथि का जो समापन है वो रविवार को 4 सितंबर 2022 सुबह 10:40 होगा। तो उदया तिथि के अनुसार राधाष्टमी का जो पर्व है वो 4 सितंबर को मनाया जाएगा। जो जो भी भक्तगण, जो भी कृष्ण प्रेमी इस दिन व्रत रखते हैं, वो व्रत जो है वो 4 सितंबर को रखा जाएगा। तो राधाष्टमी के दिन क्या करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। फिर जो कपड़ों का कलर है वो लाल हो या पीले रंग के जो है आप वस्त्र पहन लें। अगर ये कलर नहीं है तो भी जो है आप कपड़े जो है वो साफ रहें। फिर पूजा स्थल पर एक कलश में जल भर कर रखें। एक लाल चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और इसमें युगल सरकार यानी कि हमारे राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें और राधा और कृष्ण दोनों को पंचामृत से स्नान कराएं और सुंदर वस्त्र आभूषणों से जो है उनका श्रृंगार करें। देखिए, इसमें जो है सिर्फ राधा रानी की ही नहीं, पूरे जो है युगल सरकार की एक साथ पूजा की जाती है, एक साथ स्नान कराया जाता है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना जो है राधा अधूरी मानी जाती है। तो दोनों की पूजा हमारे राधा और कृष्ण की एक साथ होती है और हमारी राधा रानी को जो है वो श्रृंगार बहुत पसंद है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों के असली फूलों से उनका जो है पूरा संपूर्ण श्रृंगार करें, उनके बहुत ही सुंदर सुंदर उनको वस्त्र पहनाएं, पूजा में फल फूल और मिष्ठान चढ़ाएं। इस दिन आप जो है घर पर जो है मिठाइयां बनाएं और भोग में जो है अरवी का भोग अवश्य लगाएं, दही और अरवी की सब्जी जो है वो अवश्य बनाएं। अगर आपको प्रॉपर नहीं भी बनानी आती तो जैसी भी आप अपने घर पे अरवी की सब्जी बनाते हैं वैसी सब्जी बनाएं। और इस दिन अरवी का जो है वो बड़ा ही महत्व है बरसाने में और वृंदावन में। तो इस राधाष्टमी के दिन जो है मिठाइयों की दुकान पर भी अरवी अवश्य मिलती है, तो इसलिए राधा रानी को अरवी का भोग अवश्य लगाएं और श्री राधा कृष्ण की पूजा जो है वो एक साथ करें। पूजा में जो है पूरे दिन राधा नाम का जाप करें, कथा सुनें, आखिर में राधा कृष्ण जी की आरती करें। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं और रात्रि को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें, मंदिर में दीप दान करें और जो आप जो दही अरबी का भोग लगाएंगे उसमें जो है तुलसी दल अवश्य डालें और जो है तुलसी दल जो है अपने युगल सरकार को अर्पित अवश्य करें, क्योंकि जो है हमारे युग जो है कान्हा जी हैं वो बिना जो है तुलसी दल के जो भोग स्वीकार नहीं करते और इस वजह से जो है हमारी राधा रानी हर समय तुलसी दल अपने हाथ में रखती हैं, जिससे कि वो अपने प्रिय कृष्ण को जो है तुलसी दल अर्पित कर सकें। तो इसलिए तुलसी दल का जो है जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। और देवी राधा का जन्मदिन हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी की तिथि को मनाया जाता है और इस दिन जो है देवी राधा के जन्म स्थल बरसाना सहित पूरे ब्रज भूमि में उत्सव मनाया जाता है, लेकिन देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु व्रत और उपवास रखते हैं। कहते हैं कि देवी राधा को देवी लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। तो जो भी भक्तगण चाहते हैं कि उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहे तो वे इस दिन जो है उपवास अवश्य करें और जो है राधा नाम से और इस दिन उपवास करने से, विधि सहित पूजा करने से हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है। तो इसीलिए सभी भक्त जनों से आग्रह है कि इस दिन पूजा जो है वो अवश्य करें। और फिर से बता दूं मैं, जो व्रत रखा जाएगा वो 4 सितंबर को ही रखा जाएगा। तो इस दिन घर को जो है खूब साफ सफाई करें घर की, क्योंकि हमारी जो है राधा रानी को सफाई बहुत ज्यादा पसंद है और खुद भी अपना जो है प्रॉपर श्रृंगार करें, अपने मंदिर को अच्छे से सजाएं,
तोरण लगाएं, असली फूलों से अपने पूरे मंदिर को जो की जो है वो सजावट करें, और जो है अपने घर में जो है संकीर्तन करा सकते हैं आप, और इतना भी नहीं करा सकते तो राधा नाम का पूरे दिन जप करें। अगर हमें कान्हा जी को खुश करना है तो राधा नाम का जप करें, और राधा रानी को खुश करना है तो कृष्ण नाम का जप करें, क्योंकि दोनों जो है हमारी राधा रानी कृष्ण नाम से प्रसन्न रहती हैं और कृष्ण जो है वो राधा नाम से प्रसन्न रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हरि बोलो, राधे राधे।